3 जनवरी को डायरेक्ट पूर्ण श्रमिकों के खाते में 1,000 की पहली किस्त उनके खाते में भेज दी गई है। तो कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा कि सर सब लोगों के खाते में पैसे आए हैं बट मेरे खाते में पैसे नहीं आए हैं, ये मेरे खाते में पैसे क्यों नहीं भेजे गए। तो इसी को लेकर एक ऑफिशियल अपडेट हुई है कि किन लोगों के खाते में पैसे भेजे गए हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि क्या थे अपडेट और किन लोगों के खाते में पैसे भेजे गए हैं जो 1.5 करोड़ श्रमिक थे, ई श्रमिक कार्ड धारक, इनके खाते में 1,000 रुपये की पहली किस्त भेजी गई है। तो जानेंगे इसी वीडियो में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हम पहली बार चैनल हमारा विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए इस प्रकार के आगे भी अपडेट पाने के लिए। अगर आपके खाते में अब तक 1,000 रुपये की पहली किस्त नहीं भेजी गई है तो आप अपने चेक कर लीजिए कि NOC की लिस्ट में आपका जो काम मेंशन किया था आपने जब ई श्रम कार्ड बनवाया था, तो आपके NOC की लिस्ट में आपका ना काम का नाम होना चाहिए। तो आपकी जो लिस्ट थी उसमें 155 तरह के काम थे, अगर उनमें से आपका काम मैच करेगा तभी आपके वर्क के हिसाब से आपको पहली लिस्ट का पैसे भेजे जाएंगे, अदरवाइज आपको नहीं भेजे जाएंगे। तो ये बाद में लिस्ट NOC की लिस्ट आप बाद में अपडेट हुई थी, तो आपने अगर ई श्रम कार्ड पहले बनवा लिया होगा तो हो सकता है आपका काम के लिस्ट में नाम ना हो। तो आपको जो 155 तरह के काम थे वो लिस्ट आपको कहाँ से डाउनलोड होगी, तो इसके लिए आप बता देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये दूसरे पेज पर हमको रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे एक फॉर्म लिख के आएगा आपको कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें एक ऑप्शन दिया है कि आप अगर NOC की ऑक्यूपेशन की लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्लिक है, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको PDF के फॉर्मेट में एक फाइल खुल जाएगी और इस फॉर्मेट में आपको 155 तरह के काम दिए हुए हैं। तो आपको जो 155 तरह के काम दिए हैं अगर आपने उन कामों को ही मेंशन किया होगा तभी आपको पहली लिस्ट पहुंचेगी। अब इसके बाद जानते हैं कि 1.5 करोड़ श्रमिक कौन से थे जिनके खाते में पहली रकम भेज दी गई है। तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान किया था कि जिन श्रमिकों का 31 दिसंबर तक का रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा उनकी पहली किस्त की रकम भेज दी जाएगी, मगर बाद में जो रजिस्ट्रेशन से बहुत ज़्यादा हुए इसलिए उनको क्या किया, उनको 25 तारीख तक के लिए बोला गया। जिन लोगों का फॉर्म का रजिस्ट्रेशन 25 दिसंबर तक का हुआ होगा उनको पहली किस्त भेजी जाएगी। तो इसी के रिगार्डिंग PK गवर्नमेंट के द्वारा 1.5 करोड़ श्रमिकों के खाते में पहली किस्त की रकम भेज दी गई है। बाकी 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था यूपी में। तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 1.5 करोड़ श्रमिकों के खाते में जो पैसे भेजे गए थे वो 1.5 करोड़ लोग कौन से थे, उनको कैसे छांटा गया। तो जिन किसान भाइयों ने 31 अक्टूबर 2020 को अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुका था मगर उनको किसी प्रकार का अभी तक पैसा नहीं मिला था, तो उनकी पहली लिस्ट में नाम मेंशन किया गया है। और जो सेकंड लॉकडाउन में जिन लोगों के खाते में 1,000 रुपये भेजे गए थे उनके लिए भी 1,000 रुपये की किस्त भेजी गई है। तो मतलब तो इस लिस्ट में जो शामिल होने वाले हैं उनको, जो किसान भाई हैं उनको 31 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था सम्मान निधि योजना में, उनको जो पैसा नहीं मिला था उनके लिए मेंशन किया गया था। प्लस जो जिनको सेकंड लॉकडाउन में 1,000 रुपये की किस्त दी गई थी, मतलब लॉकडाउन में उनको आर्थिक सहायता दी गई थी, तो उनके लिए पहली किस्त भेजी गई थी। तो पहली लिस्ट में अब सेकंड लिस्ट भी इसकी जारी हो जाएगी। सेकंड लिस्ट में अगर आपका पैसा नहीं आया आपके खाते में तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई फॉर्म की लास्ट डेट नहीं है कोई, और ये जो सेकंड लिस्ट का नाम होगा तो आपका सेकंड लिस्ट में नाम में आपका नाम आ जाएगा। मगर आपकी शर्त यह है कि आपका जो NOC की लिस्ट है उस NOC की लिस्ट में आपका काम का नाम मेंशन होना चाहिए। अगर आपका काम मेंशन के लिस्ट में नाम नहीं होगा तो हो सकता है आपके खाते में पैसा ना भेजा जाए। तो आपको एक ऑप्शन आ रहा है अपना काम अपडेट करना चाहते हैं तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने काम को अपडेट करेंगे। अगर मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है आप कैसे अपने काम को अपडेट करेंगे, तो उसमें आप वीडियो जाके अपना काम को अपडेट करेंगे आपको सेकंड लिस्ट में आपका पैसे का आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी, अगर आपके खाते में पैसा नहीं भेजा था तो इस कारण से आपके खाते में पैसा नहीं आया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक पर। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।